की पंजाबी शादी से शुरू किया था पायल घोष ने अपना करियर। जी हाँ, आपको बता दें, शनिवार को एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। एक्ट्रेस ने दावा किया कि साल 2015 में अनुराग ने उनके साथ बदसलूकी की थी, उनका यौन शोषण करने की कोशिश भी की। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष को पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। उन्होंने पायल से अनुराग के खिलाफ अपनी शिकायत भेजने को कहा है। इस मामले में महिला आयोग का एक्टिव होना अनुराग कश्यप की मुसीबत बढ़ा सकता है। पायल तो लगातार मीडिया के सामने आकर पूरा प्रकरण बता रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बीती रात पायल घोष मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची, लेकिन महिला पुलिस अधिकारियों के मौजूद नहीं होने की वजह से वो FIR दर्ज नहीं करा पाई। आखिरकार 2 घंटे के इंतजार के बाद वो थाने से देर रात लौट गई। उनके वकील ने खास बातचीत में बताया कि दोपहर में फिर वो थाने आएंगे और अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग से भी शिकायत की तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया।